मैं डॉक्टर, ठीक है, मैं कुरावली मैनपुरी में तहसील है, वहां पे पिछले 8 साल से अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ और 2011 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। यहाँ एमआरसी आयुर्वेद आने से पहले मैं टोटल एलोपैथिक मेडिसिन ही पेशेंट को देता था और उसी तरीके से ट्रीट करता था पिछले 10-12 सालों से। फिर मैं यहाँ एमआरसी आयुर्वेद आया, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं छात्र सीखू, सर ने मुझे सिखाया, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है और हम दोनों लोग मिलकर अब अपने क्षेत्र में छात्र चिकित्सा कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और बाकी आगे भी हम सर के जो रिसर्चेस चल रही है उन्हें सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जनता को उससे लाभ हो। तो सर आपको मतलब ऐसे दिमाग में कैसे आया मैं साफ सुथरा सीखना चाहिए और एक्चुअली मेरा पहले से जब मैं बीएमएस करता था तो इंटरेस्ट था कि मुझे छात्र सुध करना चाहिए, मुझे कुछ आयुर्वेद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या होता ना लेवलीहुड के चक्कर में हम लोग चले जाते हैं बड़े बड़े, मैं बहुत बड़े बड़े नोएडा के कई लीडिंग हॉस्पिटल्स में मैं आईसीयू रेजिडेंट था, 5 साल में वहां रहा, उसके बाद फिर लगा कि नहीं अब कुछ और करना चाहिए और जब अपने क्षेत्र में आए तो फिर वही था कि जो 5 साल किया था वही डुप्लीकेट करने लगे यहाँ के, लेकिन फिर जब वो उससे भी लगा कि नहीं अब और कुछ सीखना चाहिए तो फिर छात्र चिकित्सा सीखी सबके साथ और अब उससे लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग उससे मतलब ठीक हो रहे हैं। कई कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों में मेरे पास आए जो बड़ी बड़ी जगह जाके और वहाँ नहीं ठीक हो रहे थे और अपने छात्र चिकित्सा कराने से उनका फिस्टुला आया और जो पुरानी गुदा रोग संबंधित बीमारियां थी वो ठीक हो रही है। थैंक यू सर, थैंक्स एमआरसी आयुर्वेद, थैंक्स। ठीक है, अब ये बताओ जो आप पहले कितने एलोपैथिक यूज करते थे, आज कितनी करते हो और आयुर्वेद कितना बढ़ा रहे हो जनरल प्रैक्टिस? हाँ, मैं सर बताऊँ, पहले जनरल प्रैक्टिस में जो फंगस के पेशेंट्स आते थे मैं उन्हें टाल देता था क्योंकि उनकी दवाएं 1000-1500 रुपए की कम से कम एक हफ्ते में आती थी तो मुझे लगता था महीने भर खाएगा, 4-5 हजार यहाँ खर्च करेगा फिर से इसको हो जाएगा, तो मैं क्या करता था मैं उन्हें डायरेक्टली पेशेंट्स को स्किन के डॉक्टर के पास रेफर कर देता था, कुछ मैं खुद ट्रीटमेंट से उन्हें बचता था, कुछ भी मानो मेरी पॉलिसी थी ये भी थी मैं पेशेंट्स को स्किन के डॉक्टर के पास रेफर करता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ के जो रिजल्ट देखे स्किन के और जो मेडिसिन थे वो फिर मैंने अपने यहाँ ट्राई किया। अब सर मैं बताऊं आपको जो एमआर आते हैं ना इटाकोनाजोल फ्लुकोनाजोल का ऐड करने उनसे ये मैं कहता हूं कि भैया आप तो मैं इनके पीछे एक गोली यूज नहीं करता, अब मैं केवल आयुर्वेदिक करता हूं, अगर आपका भी कहीं सही ना हो रहा हो तो यहां मेरे पास भेज दो, ये करता हूं मैं। क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये करता हूं मैं, एक तो एक केरिस्ट है यहां से यूज करते हैं, पिथर चूर्ण यूज करते हैं, आम पाचक जरूरत होती है तो वो करते हैं, निम्बादी चूर्ण यूज करते हैं ये सब, और ये क्या नाम हनी में डाल के पेशेंट को दे देते हैं, कहते हैं रख लो और वो 1-1 चम्मच सुबह शाम हिला के उसको यूज करता है, उससे उसके स्किन के डिसऑर्डर्स में मतलब बहुत लोग कहते हैं जो मिथ्या बना हुआ है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है मेडिसिन, तो आपकी स्किन में आपने 2% ठीक किया है तो आपको कैसा लगा कि स्लो? ये आप जे ऑइंटमेंट लगवाइए 7 दिन फिर देखिए स्लो है या फास्ट है, 7 दिन में तो आप एलोपैथ 10 दिन में भी वो नहीं कर पाता। और बात ये नहीं एलोपैथिक मेडिसिन में क्या हो रहा है वो रिकरेंस हो रही है, ठीक है, लगभग 15 दिन में पेशेंट को रिजल्ट आने लगते हैं और 1-1.5 महीने में जैसा उनका है, मान लो फंगस इन्फेक्शन तो कई बार क्या होता है पूरी बॉडी पे ही तो फिर टाइम लगता है, लेकिन जो लोकल इन्फेक्शन है, अभी एक सोरियाटिक पेशेंट था उसके एंकल पे सोरियासिस और उसको मैंने यही सर अपना वो लगाया रेक्टो ऑयल, सॉरी उसको मैंने डिग्राइड करके रेक्टो ऑयल लगवा दिया और 3 दिन बाद जब वो आया तो वो कह रही सर इतनी हीलिंग तो पिछले 1.5 साल से नहीं हुई थी, ठीक है, तो इस तरीके से वो सोरेसिस में था और काफी मतलब बहुत बड़ा रीजन था, मेरे पास अभी इसमें है नहीं, मैं दिखाऊंगा कभी, मैं सर को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वो लेडी पिछले 1.5-2 साल से कई यहाँ हमारे यहाँ आगरा में ना काफी बड़े बड़े नाम है स्किन डिसऑर्डर्स के, नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है, वहाँ भी ट्रीटमेंट करा के तकलीफ थी लेकिन फिर जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो ठीक हो गई। और मैंने थोड़ा जल्दी सही हो गया था तो उसमें
फैक्टोरियल मैंने लगा दिया, ये किया। ऐसे डालते रहे करो ग्रुप में, डालते रहे सर। मैंने अभी एक और शुरू किया काम, डायबिटीज रिवर्सल। अच्छा, वो कैसे कर रहे हो? पूरा पूरा डाइट, सब डाइट, डायबिटीज रिवर्सल, इंसुलिन बंद हो रही है हमारी। अच्छा, अभी चेक कर, पिछले महीने मैंने 5 पेशेंट थे मेरे पास, उनका वेट लॉस करा रहे हैं। डाइट ले रहे हैं? ये नहीं, डाइट मैंने एक्चुअली कुछ अरेंज की है। अच्छा, क्योंकि अभी क्या है ना, इतना टाइम हम नहीं दे पा रहे, तो आटा भी मैंने कहीं से मंगाया है, वो सामान आटा नहीं खा रहे, वो लो जी आई डाइट है। इस तरीके से कर रहे हैं, अभी पिछले महीने 5 पेशेंट थे, उन 5ों में अच्छे रिजल्ट है। तो अभी मेन फोकस अब आगे फ्यूचर में सर यही है कि डायबिटीज और एनोरेक्ट, मैनपुरी शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, मैनपुरी भाई, हाँ प्रॉपर मैनपुरी में जिला अस्पताल के सामने अभी शुरू किया, लेकिन वहाँ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ से कुरावली से। नहीं, कुरावली तो रहेगा ही। अच्छा, वो तो पूरा एस्टेब्लिश सेंटर है। मैनपुरी में 2 घंटे बैठना शुरू कर रहे हैं केवल इसी के लिए, चार सूट और इसके लिए डायबिटीज रिवर्सल के लिए बस। तो ये ओरल मेडिसिन जो रहते हैं डायबिटीज, हाँ जी, तो वो भी बंद हो गया है, इंसुलिन बंद हो गई। अच्छा, देखो डिपेंड कर रहा है, डायबिटीज आता है ना, टाइप 2 है, ओबेस पेशेंट है, उनकी अगर लो ग्लाइसेमिक रखोगे रिजल्ट आ पक्का है। अब तो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया, वो डॉक्टर मेघवाल जी कह रहे कि मैं 3 महीने में सभी मेडिसिन खत्म कर दूंगा। तो आपने जो डाइट है, नॉन फूड डाइट रहता है कि दोनों रहते हैं? नहीं नहीं, सब खाते हैं, सभी खाते, सब खाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, और ये नेचुरल तरीके से डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना। देखो वो सब जो जो लिखा ना प्रिवेंटिव चिकित्सा, वो सब कारगर है, आप इतनी समझ, एक एक लाइन कर रहा है कारगर है, एक एक शब्द कारगर है, बुक तो कारगर है। अरे ना, वो करेंगे तो अब वो कह रहा है सर, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या आती है हम लोगों के साथ, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे फादर टीचर थे, उन्होंने मुझे बीएमएस करा दिया, अब बेटे तुम्हें अपना कमाना खाना, ठीक है, अब क्या है, अब कमाना खाना तो हो रहा है, ये तो अब एड ऑन कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी शायद यही करे, इसके लिए करो, क्योंकि आप देखो ना फ्यूचर में आयुर्वेद का ही फ्यूचर, और अच्छे हम लोग इतनी अच्छी जगह है। ठीक है सर, थैंक यू, ओके ओके, मैं चलू फिर, मंदिर दूंगा मुझे, क्योंकि मैंने 4 बजे कह रखा है लौटा, ठीक होता है, 3 घंटे लगे। नमस्ते सर, थैंक यू।